दोस्तों, मोदी जी के 400 पार का नारा हमारे देश की जनता ने तो नहीं लिया सीरियसली, लेकिन ऐसा लगता है कि ब्रिटेन ये नारा पहुंच गया। और इसीलिए मोदी जी के खास मित्र और भारतीय मूल के ऋषि सुनक की पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी की जबरदस्त हार हुई है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उनका सुपड़ा साफ होने की नौबत आ गई। और 14 साल बाद ब्रिटेन के राजनीति में कंजर्वेटिव पार्टी की न केवल वापसी हुई है बल्कि दमदार वापसी हुई है। ये वो पार्टी है दोस्तों, कंजर्वेटिव पार्टी, जिसके लिए हाल के सालों में भविष्यवाणी कर दी गई थी कि ये तो पार्टी खत्म हो गई, खत्म, टोटल, फाइनल, बाय बाय। लेकिन देखिए, इस कंजर्वेटिव पार्टी ने न केवल वापसी की बल्कि दमदार वापसी करके ये बताया कि किसी भी पार्टी को, चाहे वो किसी भी देश में हो, अगर आप ये मानकर चल रहे हैं कि पार्टी खत्म हो गई, तो कुछ नहीं कह सकते जब तक जनता ये ना मान ले। अब इस पूरे के पूरे मामले में भारत के लिए क्या सबक है, और भारत को ये नई सरकार कितनी महत्वपूर्ण भारत के लिए नई सरकार होने वाली है ब्रिटेन की, ये तो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन मैं बात करना चाहती हूँ दोस्तों एग्जिट पोल की। हमारे देश में पिछले 10 सालों में मीडिया ने वैसे भी कोई हद पार करने के लिए हद नहीं छोड़ी है, सत्ता की चाटुकारिता करने में कोई हद नहीं छोड़ी है, और अपनी क्रेडिबिलिटी पूरी तरह से खत्म कर ली। लेकिन विशेष तौर पर दोस्तों, विशेष तौर पर देश में चुनाव के खत्म होने की शाम पर जो एग्जिट पोल न्यूज़ चैनल्स ने जारी किए ना, वो तो प्रमाण है, मतलब प्रमाण है जीता जागता कि एक भी एग्जिट पोल ये नहीं बता पाया कि ना केवल मोदी जी बहुमत से दूर रह जाएंगे बल्कि कांग्रेस पार्टी इतना बेहतरीन प्रदर्शन कर देगी। उत्तर प्रदेश को लेकर तो सारे ही एग्जिट पोल गलत साबित हुए। तो अगर आप एग्जिट पोल के माध्यम से देखें दोस्तों, तो एक तरफ ब्रिटेन के एग्जिट पोल जहां आज चुनावी नतीजे आए, 90% सही साबित हुए हैं, 90%, मतलब एक्यूरेसी का रेशियो देखिए, 90% वहां के एग्जिट पोल बिल्कुल सही साबित हुए वहां की जो मीडिया ने की थी, और हमारे यहाँ के 10% भी सही साबित नहीं हुए। दोस्तों, दो तस्वीरें मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, और इन दोनों तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। लेबर पार्टी को लेकर जो एग्जिट पोल किया गया था वो लगभग सही साबित हुआ है ब्रिटेन में। वही हमारे देश के एग्जिट पोल देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं सुरेंद्र राजपूत, उन्होंने ये शेयर किया हुआ है, अग्नि न्यूज सर्विसेज, इसके अलावा दैनिक भास्कर, इंडिया न्यूज़ डायनेमिक्स, जन की बात, रिपब्लिक भारत, टाइम्स नाउ, न्यूज़ 24 का, टुडेज चाणक्य, इंडिया टुडे का, माय एक्सिस। तो इतना बुरा साबित हुआ कि प्रदीप गुप्ता दहाड़े मार मार के रोने लगे। याद है ना जब चुनावी नतीजे आए थे कि प्रदीप गुप्ता को समझ ही नहीं आया कि उन्होंने कैसा एग्जिट पोल किया था कि वो रोने लगे थे, फपक कर रोने लगे थे कि इतनी भीषण गलती उनसे हो गई। इसके अलावा दोस्तों, एबीपीसी वोटर का भी एग्जिट पोल गलत साबित हुआ, एनडीटीवी का भी गलत साबित हुआ, न्यूज़ 18 का भी एग्जिट पोल गलत साबित हुआ, इंडिया टीवी सीएनएक्स का भी गलत साबित हुआ, इसके अलावा दोस्तों न्यूज़ नेशन का भी गलत साबित हुआ। थोड़ी एक्यूरेसी कहीं थी तो यूट्यूब चैनल डीवी लाइव, और जितना मैंने देखा था यूट्यूब चैनल न्यूज़ लॉन्चर, दो वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े का यूट्यूब चैनल है दोस्तों, इन दोनों यूट्यूब चैनल्स ने काफ़ी हद तक जो एग्जिट पोल किया था, काफ़ी हद तक चुनावी नतीजे उसके थोड़े करीब दिखे, एक्यूरेट तो वो भी नहीं थे, लेकिन किसी भी न्यूज़ चैनल के एग्जिट पोल ने ये दावा नहीं किया था कि इंडिया गठबंधन 200 के पार जाएगी। दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ, क्या आपके मन में ये बात नहीं आती? उसका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ जो एग्जिट पोल किए जाते हैं ना, वो सत्ता को खुश करने के लिए किए जाते हैं। मतलब कितनी अजीब बात है, चुनाव तो वैसे भी खत्म हो गया है, आप एग्जिट पोल गलत दिखाकर हो सकता है शेयर मार्केट को प्रभावित कर दें, हो सकता है कि आने वाली सरकार में जो होने वाले सहयोगी हैं उनका मन बदलने में आप कामयाब हो जाएं, लेकिन अंत में 2 दिन बाद तो रिजल्ट आ ही जाएगा ना। तो न्यूज़ चैनल वाले जो अपनी विश्वसनीयता को ताक पे रख के गलत एग्जिट पोल चलाते हैं, ये वैसे भी 1-1.5 महीने तो खींचना नहीं है, 2 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है। मतलब आप देखिए, थोड़ा सा पाने के चक्कर में कितनी बड़ी तादाद में न्यूज़ चैनल्स में, हमारे देश के न्यूज़ चैनल्स ने एग्जिट पोल के नाम पर विश्वसनीयता खो दी। जिस तरह से इस बार एग्जिट पोल गलत हुए, कोई पहली बार नहीं दोस्तों। जब वाजपेयी की सरकार थी, प्रमोद महाजन ने इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था, तो भी यही हाल था। उस वक्त भी सारे एग्जिट पोल ने कहा था कि वाजपेयी की सरकार दोबारा आ रही है। हुआ क्या, डॉक्टर मनमोहन सिंह पीएम बन गए, यूपीए की सरकार बन गई। इसीलिए दोस्तों, ना तो किसी पार्टी के नेता के नारों पे जाना चाहिए मीडिया को, ना ही किसी पार्टी के नेता के इन्फ्लुएंस में जाना चाहिए। ठीक है भाई, आप किसी नेता के आगे नतमस्तक हो सकते हैं, लेकिन एग्जिट पोल गलत दिखाकर आप कुछ हासिल नहीं करने वाले, क्योंकि रिजल्ट तो वैसे भी आ ही जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ दोस्तों कि जिस तरह से लेबर पार्टी की ब्रिटेन की राजनीति में वापसी हुई है, और ऋषि सुनक भले वो खुद अपना चुनाव जीत गए हो, लेकिन उनकी पार्टी बहुत बुरी तरह से साफ हुई है, इसके भारत के लिए मायने क्या है और ये क्यों हुआ, इसका भी समझना आसान भाषा में बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ऋषि सुनक और उनकी पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी को लेकर काफ़ी गुस्सा था, ज़बरदस्त गुस्सा था। कोरोना के काल में जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन था, ऋषि सुनक की पार्टी के लोगों पर आरोप है कि वो पार्टी कर रहे थे, मतलब
जश्न मना रहे थे, पार्टीज कर रहे थे, गैदरिंग कर रहे थे। इसके अलावा नौकरियों को लेकर इस वक्त ब्रिटेन का जो आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक हालात है, बिल्कुल ठीक नहीं है। बेरोजगारी बहुत चरम पर है वहाँ पर, और एक बहुत बड़ा संकट है बेरोजगारी का, और ऋषि सुनक की सरकार उसको एड्रेस करने में एक तरह से नाकामयाब रही है। आप कह सकते हैं कि 400 पार का नारा जो मोदी जी ने दिया था अपने देश की जनता के लिए, अपने पार्टी के नेताओं के लिए, वहाँ लोगों ने सीरियसली लिया, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको बता दूँ 400 सीटों पर जीत हो चुकी है कंजर्वेटिव पार्टी की, 400 सीटों पर जीत हो चुकी है, जबकि बहुमत का आंकड़ा केवल 326 का है। मतलब आप कह सकते हैं सूपड़ा साफ हो गया कंजर्वेटिव पार्टी का, लेबर पार्टी ने सूपड़ा साफ कर दिया। इसके अलावा दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण है कि 14 साल बाद कंजर्वेटिव पार्टी की ब्रिटेन की सत्ता में वापसी हुई है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ऋषि सुनक तो भारतीय मूल के हैं, आप जानते हैं, उनकी पत्नी भी भारतीय मूल की है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बार चुनाव में जो ब्रिटेन में रह रहे भारतीय मूल के मतदाता हैं, जिनके कभी पुरखे या तो भारतीय रहे या फिर वो भारत से गए फिर वहाँ के नागरिक बन गए, उन्होंने भी ऋषि सुनक को रिजेक्ट कर दिया। ऋषि सुनक की पार्टी को बड़ी तादाद में भारतीय मूल के लोगों ने वोट नहीं दिया। मतलब वहाँ के लोग, वहाँ के भारतीय जो यहाँ से वहाँ जाकर बसे, उन्होंने इमोशनल होके वोट नहीं दिया, उन्होंने प्रैक्टिकल होके वोट दिया, उन्होंने मुद्दों पर वोट दिया। और कंजर्वेटिव पार्टी को जो इंडियंस हैं वहाँ के, नॉन रेजिडेंट इंडियंस या फिर वहीं इंडियन मूल के ब्रिटेन के नागरिक हैं, उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी को चुना। हालत ये हो गई थी दोस्तों कि कंजर्वेटिव पार्टी ने चुनाव जब चल रहा था, मतलब वोटिंग से पहले, कंजर्वेटिव पार्टी को लेकर इतना ज़्यादा नेगेटिव माहौल था और उत्साह इतना कम हो गया था इस पार्टी का, कि उस पार्टी के नेता ही सार्वजनिक तौर पर वोट पड़ने से पहले कहने लगे थे कि अगर आपको कंजर्वेटिव पार्टी को वोट नहीं देना है तो मत दीजिए, मतलब अच्छा होगा कि हम विपक्ष में बैठने को तैयार हैं। मतलब वहाँ के नेता भी चुनाव होने से पहले ही हार मान चुके थे कंजर्वेटिव पार्टी के, ऋषि सुनक की पार्टी के, क्योंकि वो लोग ये बात समझ रहे थे जमीन पर जो हालात हैं वो किसी भी हाल में उनकी पार्टी के फेवरेबल में नहीं है। मतलब आप कह सकते हैं चुनाव से पहले ही कंजर्वेटिव पार्टी के लोगों ने अप्रत्यक्ष तौर पर हार मान ली थी, तभी इस तरह के बयान आते हैं। ये तो हमारे यहाँ तो जब चुनाव हो जाते हैं, वोटिंग हो जाती है, उसके बाद भी सारे नेता हर पार्टी के नेता कह रहे हैं हम जीत रहे हैं। जब तक गिनती पूरी ना हो जाए तब तक हमारे देश के नेता आशा नहीं छोड़ते हैं। इस मामले में हमारे देश के नेताओं से सीखना चाहिए कंजर्वेटिव पार्टी के लोगों को कि चाहे कितनी भी एंटी इनकम्बेंसी हो, कितना भी गुस्सा हो, जब तक आपका वोटिंग चल रही है और वोटिंग खत्म ना हो जाए तब तक अपने आप को आप जीता हुआ मानिए। अब सवाल ये दोस्तों कि भारत को इससे क्या मिलने वाला है, क्या कंजर्वेटिव पार्टी के सत्ता से जाने और लेबर पार्टी के सत्ता में आने से भारत के इंटरेस्ट प्रभावित होंगे। बड़े स्तर पर अगर देखा जाए दोस्तों तो अभी बहुत जल्दबाजी होगा कुछ भी एनालाइज करना, कुछ भी इस बारे में भविष्यवाणी करना। तो इसका जवाब मैं आपको बता दूं दोस्तों, वो दौर दूसरा हुआ करता था जब अगर कोई पार्टी सत्ता से चली जाए और दूसरी पार्टी सत्ता में आ जाए तो उससे जो दूसरे देश के साथ उसके संबंध हैं वो बहुत ड्रास्टिक इफेक्ट हो जाएंगे। तो सो ब्रिटेन की आर्थिक व्यवस्था अभी ठीक नहीं है, आर्थिक हालात वहाँ पर ठीक नहीं है, और इसी मुद्दे पर चुनाव हुआ है, इसी मुद्दे पर चुनाव जीता है लेबर पार्टी ने, बेरोजगारी के मुद्दे पर, कोरोना में जो कुप्रबंधन किया सरकार ने उसको लेकर, इसके अलावा महंगाई वहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो जाहिर सी बात है ब्रिटेन इस वक्त किसी भी हाल में भारत जैसे एक ऐसे बाजार को, जिसको न केवल दुनिया का सबसे बड़ा बाजार माना जाता है बल्कि पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी भारत ही है, और पिछले ही साल भारत ने ब्रिटेन को पछाड़कर खुद पांचवी उस जगह पर कब्जा किया है। तो भारत अगर ये कहना कि लेबर पार्टी के आने से, ऋषि सुनक के जाने से बहुत बड़ा परिवर्तन भारत और ब्रिटेन के रिश्तों में हो जाएगा, पर मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रिश्ते होते हैं वो बहुत हद तक इकोनॉमी पर निर्भर करते हैं। आज के दौर में एक देश से दूसरे देश के संबंध इस बात पर निर्भर करते हैं कि उन दोनों देशों के इकोनॉमिक इंटरेस्ट कैसे हैं। ये बहुत बड़ी सच्चाई है जिसको हमें स्वीकार करना होगा। इसलिए आपको इंटरनेशनल लेवल पर बहुत से ऐसे देश साथ आते दिखेंगे जिनकी आइडियोलॉजी आज से पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले अलग हुआ करती थी, लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं। अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल इकोनॉमी साथ चलती है, लेकिन फिर भी अभी हमें देखना होगा कि आने वाले वक्त में भारत के लिए ब्रिटेन की ये नई सरकार क्या कुछ अलग लेकर आती है या रिश्तों में बड़े बदलाव होते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों ब्रिटेन के चुनाव से बहुत कुछ देखने और समझने को तो हमको मिलता ही मिलता है, साथ में देश की गोदी मीडिया को भी ये चीज़ समझने का मौका मिलता है कि देखिए जब एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो आप ही की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। तो चाहे आप साल के 365 दिन भक्ति में लगे रहें सरकार की, लेकिन कम से कम एग्जिट पोल सही दें, क्योंकि नहीं तो फिर ऑन एयर दहाड़े मार कर रोना पड़ जाएगा। आपको इस मुद्दे पर क्या लगता है दोस्तों, ब्रिटेन में हुए चुनाव को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये दो ऑप्शन हैं दोस्तों जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें तो ज़रूर करें।